आज हम खड़े हैं इंडियन एमपीवी के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये 2012 में लॉन्च हुई थी और ये 2018 जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आती है ये अर्टिगा और रेंज शुरू होती है 8,35,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 12,80,000 रुपीज़। और ये टॉप मॉडल ZXi प्लस आप देख रहे हैं। 2 RAM नाम से इसका टैक्सी वेरियंट भी आता है। इसके क्रॉस ओवर मॉडल का नेम XL6 है जिसकी कीमत शुरू होती है 11 लाख रुपीज़ से। अर्टिगा इंडोनेशियन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है द इनरोज। 18,600 रुपीज़ से आप अर्टिगा को मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 7 सीटर MPV है। इसका टोयोटा भी बेचती है रूमियन नाम से। आज तक 8 लाख से भी ज़्यादा अर्टिगा बिक चुकी है इंडिया में। इसकी इंडोनेशिया, इंडिया, म्यांमार में असेंबली होती है। ये अर्टिगा का सेकेंड जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल है और ये ऑटोमेटिक हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और ये फॉग लैम्प। क्रोम विंड ग्रिल, सुजुकी का लोगो, और ये टॉइंग हुक। और ये है आगे से अर्टिगा का ओवरऑल लुक। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और रिट्रैक्टेबल आउटसाइड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। और ये आप वाइट कलर देख रहे हो अर्टिगा का। अर्बन रेड, ब्राउन, ग्रे, ब्लू और सिल्वर कलर में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ MacPherson फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और पीछे कॉइल स्प्रिंग के साथ टर्जन बीम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन और टॉर्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। नई पावर ट्रेन है, कम नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस के लिए। फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये अर्टिगा आती है। और ये है 3D ओरिगामी स्टाइल LED टेल लैम्प। अर्टिगा की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, क्रोम गार्निश, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, रियर सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प और इस तरीके का ओवरऑल लुक मिल जाता है हमें अर्टिगा का पीछे के साइड से। साथ ही में साइड में हमें फ्यूल लाइट देखने को मिल जाती है। और इसमें हमें R15 साइज का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। और इसमें हमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील के बीच में हमें सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लगभग 150 लीटर का बूट स्पेस। फ्लैट फोल्ड थर्ड रोड सीट्स हैं ज़्यादा बूट स्पेस के लिए। और यहाँ टूल किट के साथ जैक मिल जाएगा। स्प्लिट टाइप लगेज बोर्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है हमें इसके अंदर भी। और बूट स्पेस बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से हम सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। नीचे के साइड हमें स्फेयर व्हील देखने को मिल जाता है, एग्जॉस्ट टेल पाइप देखने को मिल जाता है। सेफ्टी के लिए ग्लोबल एनकैप ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं।
और एशियन एनकैप ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं अर्टिगा को। सुजुकी की हार्ड टाइप परफॉर्मर बनी है अर्टिगा। इसमें अल्टो, वैगनार, बलेनो, एस्प्रेसो, सेलेरियो, डिज़ायर, स्विफ्ट, इग्निस और एक्सेल 6 भी हैं। डीजल इंजन में भी आती है अर्टिगा, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सेफ्टी के अंडर 4 एयरबैग्स, ABD रिमोट कीलेस एंट्री, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, चाइल्ड सीट माउंटिंग, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिटिव ऑटो रियर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग। सुजुकी कनेक्ट है जिसमें आप स्मार्टफोन से काफ़ी सारे फीचर्स एक्सेस कर पाओगे कार के, जैसे एमरजेंसी अलर्ट, व्हीकल ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट, जी ऑफेंसिंग, टाइम फेंसिंग, वैले अलर्ट, ड्राइविंग बिहेवियर, व्हीकल लोकेशन शेयरिंग, ओवर स्पीड, AC आइडलिंग, रिमोट लॉक, हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट ऑन ऑफ, अलार्म, बैटरी हेल्थ, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, रिमोट AC, सुजुकी कनेक्ट अमेज़ॉन और एलेक्सा। ये 7-सीटर MPV है जो कि 8 लाख से ज़्यादा बिक चुकी है इंडिया में। इसमें हमें दोनों ही गेट में रिक्वायर्ड सेंसर देखने को मिल जाता है। आइए को पैसेंजर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। मेटेलिक टी वुड फिनिश देखने को मिल जाती है। पावर विंडो बटन, डोर लॉक अनलॉक करने का हैंडल, बोतल होल्डर और कुछ स्पेस और स्पीकर भी हमें डोर पर मिल जाते हैं। और ये चीज़ आप सुजुकी एसेसरीज से डलवा सकते हो, जिसमें रात में एस ग्लो करता है रात के टाइम। आइए पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। 6 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम अर्टिगा में मिल जाता है हमें। ऑटो पावर बटन देखने को मिल जाता ही है, बोतल होल्डर और कुछ स्पेस, और इसकी सीट्स हमें ड्यूअल टोन कलर में मिल जाती है। सारी सीट्स में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग सेकेंड रो सीट देखने को मिल जाती है। 1 टच रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग के साथ स्मार्ट फ्लेक्सी सीटिंग है। 12 वोल्ट का पोर्ट, नीचे काफ़ी स्पेस। सेकेंड रो के लिए रूफ माउंट AC है, 3 स्टेज स्पीड कंट्रोलर के साथ, हैंडल बार और रीडिंग कैबिन लाइट। और कुछ इस तरीके से आप सीट को फोल्ड करके बेड स्टाइल भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें हमें थर्ड रो में 50-50 सीट फोल्डिंग देखने को मिल जाती है। तरीके से हम इसमें बेड की तरह सो भी सकते हैं। सो के बता दे भाई। स्कल्प्टेड डैशबोर्ड है मेटेलिक टी वुड फिनिश के साथ। आइए ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। ड्राइवर साइड हमें ORVM कंट्रोलर, ऑटो रन पावर बटन मिल जाती है एंटी पिंच फंक्शन के साथ, बोतल होल्डर के साथ काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है और आगे हमें हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। पावर और टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, USB
ऑक्स, हाई सुजुकी वॉइस असिस्टेंट, एफएम और रेडियो। और ये मेटेलिक टिप वुड फिनिश में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक मॉडल में आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ये क्रूज कंट्रोल, फोन के कंट्रोल्स, ये इंफोटेनमेंट और वॉल्यूम के कंट्रोल्स, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाया गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज रेंज, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, स्पीड, RPM और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, पावर टॉर्क, एक्सेलरेशन, बैटरी मोटर इंजन। आइए देखते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को। इसमें हमें साइड में काफ़ी सारे कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, होम, वॉइस असिस्ट, म्यूजिक, कॉल, ये एवरेज, एवरेज इन्फॉर्मेशन, कॉल, क्लॉक सेटिंग्स, सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, ब्राइटनेस कंट्रोल, वॉलपेपर मोड, कनेक्ट, सिस्टम बीप, वाईफाई, 24 आवर वॉर्मेट, डे एंड नाइट, और भी काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ही आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यह शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, AC वेंट्स, एयर बैग, ट्विटर, रियर एंड फ्रंट वाइपर कंट्रोलर, ऑटो और मैनुअल हेडलाइट कंट्रोलर, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, लाइट के कंट्रोल्स और पैडल्स। और यह 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। एयर कूल्ड कप होल्डर, आगे थोड़ा स्पेस है, और यह 12 वॉट का पोर्ट, USB पोर्ट, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, मैनुअल हैंडब्रेक है, ऊपर साइड हमें ड्राइवर सनसेट मिल जाता है, जिसमें टिकट होल्डर मिल जाता है, हेलोजन रीडिंग लाइट मिल जाती है, को पैसेंजर साइड मिरर मिल जाता है, और AC इंटेक वेंट्स मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का हमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और पीछे सेकंड और थर्ड रो कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाती है। और यहाँ हमें डे एंड नाइट मैनुअल मिरर देखने को मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक AC डिजिटल डिस्प्ले के साथ, और ये हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ बटन। आइए बोनट ओपन करके देखते हैं। आइए बोनट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो यह है 1500 cc का एन लाइन 4 सिलेंडर इंजन, सुजुकी के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 101 horsepower है, 136 Nm टॉर्क है, और 20 का एवरेज मिल जाएगा 45 लीटर फ्यूल टैंक से। और CNG मॉडल में भी सेम इंजन ही आएगा, पेट्रोल में देगा 101 horsepower और CNG में 86 horsepower, पेट्रोल में 136 Nm टॉर्क और CNG में 121 Nm टॉर्क, और 26 का एवरेज मिलेगा 60 लीटर के CNG टैंक से। और यही पेट्रोल इंजन विटारा, एस क्रॉस और XL6 में भी यूज़ होता है। तो कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।